हमें 3 मिनट नहीं कहा, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करता हूँ, मगर हम ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। मंच में बैठने के समय काफी सोच विचार से बैठा हूँ, डर डर के बैठा हूँ ये स्टेज ना टूट जाए हमारे वजन के कारण, मगर बहुत मजबूत है। हमारे उत्तर पूर्व के लोगों को ज्यादा बात कहने के लिए जरूरत भी नहीं है। 8 भाई और बहन है, एक भाई है असम और 7 बहनें हैं, और जनजातियों से भरा हुआ है, और हम सब अपना अपना विचारधारा के साथ जीते हैं। बहुत सारे साल हो गया 1947 से लेके आज तक, हम लोग उत्तर पूर्व के लोग अपने आप को थोड़ा अलग समझ के ही आया है, और आज यहां बैठे हुए सब लोगों को यही बात कहना चाहता हूं, हम लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। समस्या क्या है बोलने से, हम लोगों को एक सिंड्रोम हो गया है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। जिस परिस्थिति में रह के आया है उसी परिस्थिति के साथ लड़ते लड़ते समझते समझते उसी तरह हम लोग हमेशा सोचते हैं। कांग्रेस की सरकार के साथ 40-50 साल से अधिक रह के आया, हम लोगों को पिछड़ा हुआ रख दिया, हम लोग कैसा रहते हैं वो भी नहीं जानते थे। हम दिल वाला बात कहना चाहते हैं आप लोगों को, हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा सोते हैं, कैसा जागते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे भारत की अलग विभिन्न जगह के लोगों के लिए एक अलग सा कहानी होते थे। हम कल रात भी हम कहे 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा, हम तो वहीं चौंक गया, और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या, और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग, उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया, तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जब एक सरकार आया, पहले अटल जी ने लेके आया भाजपा की सरकार, दूसरा बार मोदी आया, अभी हम लोग तीसरा बार बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, और जो आश्वासन करते हैं और उसमें चलते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों का देखभाल करते हैं, हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। The problem about our notice people is that we have become too sarcastic, like before. पैसा थोड़ा बहुत देते थे, इंसर्जेंसी से भरा हुआ उत्तर पूर्व, हर जगह में झमेला, एक्सटोर्शन, सब चीज, कभी भी समाधान नहीं हुआ था। आज समाधान होता है, बोलता है ले जाओ डेवलपमेंट, ले जाओ उन्नति करो, आप इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो, हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है। हम यहां दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए, मगर हम उत्तर पूर्व के लोग यहां आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको। आई कैन नॉट कन्विंस यू। हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया, अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे सुनते थे, किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है, 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको। मगर
हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, एक तीन चार दिन पहले वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, वी शुड रियलाइज हु इज हेल्पिंग अस, वी शुड रियलाइज हु इज ब्रिंगिंग द चेंज टू अस। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूर्व के लोगों को कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना। अगर नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूर्व को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हर एक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। तो हम चुनना चाहिए कि दिल्ली में हमारी जो थोड़ा सा वोट है किसको दें। अरविंद केजरीवाल नागालैंड कभी नहीं देखेगा, मणिपुर कभी नहीं देखेगा, उनका कुछ है ही नहीं, उनका झाड़ू लेके वो यहां कुछ करते करते रहता है। हम लोगों को बीजेपी सरकार में मोदी जी के साथ देना है। हमारे जो चंद वोट है वो जल्द से जल्द 8 तारीख में हम लोग मतदान करें और ये कहें कि हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे।